हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए हुई क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी। जरा के मुताबिक कम से कम 9 एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की और कांग्रेस की तरफ से जारी व्हिप की खिलाफ वर्जी करते हुए बीजेपी उम्मीदवार को वोट किया। क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर जुबानी तीर भी चलाए गए। अपने ही अरकान असेंबली की इस बगावत ने हिमाचल के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू की फिक्र बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला ने बीजेपी पर एमएलए की खरीद फरोख्त, किडनैप करने और काउंटिंग ऑफिसर्स को धमकाने का भी इल्जाम लगाया। 9 क्रॉस वोटिंग हुई है जिसमें 3 तो आजाद उम्मीदवार है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं और यहाँ आकर वो पार्टी की जो अधिकृत उम्मीदवार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे प्रसिद्ध अधिवक्ता हिंदुस्तान के सबसे लीडिंग लॉयर, उनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया, तो क्या लगता है आपको कि वो नाराजगी का वोट था? वो तो एक ही चीज़ का वोट होता, जिसकी जानकारी आपको मेरे से ज़्यादा होगी, जिस प्रकार की आप जानकारी रखते हैं। इतनी जद्दोजहद की, इतना मन बदलाव किया, लेकिन एक और मन बदलाव नहीं कर सके, इसलिए 34-34 का स्वाभाविक आंकड़ा भारत में शायद पहली बार और आने वाले कई दशकों में वापस होने वाली नई चीज़ हुई है कि 34-34 का हमारे मित्रों के इतने प्रयत्न करने के बाद भी आंकड़ा आया। वहीं राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ बीजेपी ने हर्ष महाजन को मैदान में उतारा, लेकिन राज्यसभा चुनाव में बदले नंबर्स से सुक्खू सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी 43 वाले के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करती है तो उसका एक, सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है। और मैं हर्ष महाजन जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है। हर्ष महाजन हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन से पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे, इससे पहले वो कांग्रेस में थे। रियासत में सियासी हालात के बीच महाजन अपनी जीत को लेकर मुतमईन दिखे। हमारे जयराम जी की जीत है, मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे को उन्होंने प्रत्याशी बनाया तभी जीता, हमारी पार्टी की जीत। विधायकों की खरीद फरोख्त के दावे को बीजेपी ने खारिज किया है। हिमाचल प्रदेश में असेंबली की कुल 68 सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस की 40, बीजेपी की 25 और 3 आजाद उम्मीदवारों के पास हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।